एवरीवन, वेलकम टू दी गर्ल्स पावर पूजा। और दोस्तों, मैं हूँ पूजा। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आई हूँ कि एक साल के अंदर आप 1,00,000 रुपए कैसे जमा करें। सो दोस्तों, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई सवाल है मनी सेविंग को लेकर के या फिर बजटिंग को लेकर के, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बेझिझक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और मैं आपके सारे सवालों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं हम मनी सेविंग के बारे में। तो मनी सेविंग करके मेरे पास एक प्लेलिस्ट है, आप लोग उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि मनी सेविंग से रिलेटेड जितने सारे वीडियो होते हैं मैंने अपलोड किए हैं और आप वहाँ से डायरेक्टली उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं या फिर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जाकर के क्लिक करें, जिससे कि मैं जितने सारे वीडियो अपलोड करूँ उन सब की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे और आप लोग मुझसे कनेक्ट हुए रहें। सो दोस्तों, बात कर लेते हैं मनी सेविंग की। मनी सेविंग हमारी लाइफ का बहुत ज़रूरी पार्ट है। आजकल के जो नई युवा पीढ़ी है वो लोग पैसे नहीं बचाते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। ठीक है, आजकल हम एक दूसरे की देखा देखी बहुत कर रहे हैं, भीड़ चाल चल रहे हैं, जो दूसरा बंदा कर रहा है वही हम भी कर रहे हैं। अगर कोई बंदा कोई महंगी कार परचेज करता है तो हम भी सेम वही कार परचेज कर लेते हैं, ये नहीं सोचते कि हाँ भाई उस बंदे की इनकम अलग है उसका खर्च अलग है। बस हम यही सोचते हैं कि यार हम उससे अच्छे कितना परचेज करें या फिर उससे महंगी कितना अच्छा लें, हम कितना महंगा लें उससे, ताकि हमारा नाम हो, लोग हमें जानें या फिर हमारी बहुत ज़्यादा बड़ाई हो। अपना झूठा दिखावा या फिर अपनी झूठी शान को बचाने के लिए हम बहुत सारे पैसे बर्बाद कर देते हैं और सर से पैर तक लेकर के कर्ज में डूब जाते हैं। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करती हूँ और यही सजेस्ट भी कर रही हूँ कि अगर आप लोग किसी को देखी देखा करके कुछ भी लेते हो, चाहे वो गाड़ी हो, घर हो, बाइक हो, कुछ भी हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, अगर आपकी बहन ने, आपकी किसी फ्रेंड ने ज्वेलरी ले ली है, कोई गहना बनवा लिया, तो आप ज़रूरी नहीं कि आप भी उसको देख करके तुरंत बनवा लो या उससे महंगा, उससे वजनदार आप ले लो। आप हमेशा कोशिश करो जो आपको ज़रूरत हो वही लेने की। तो इससे क्या होगा, आपके पैसे भी बचेंगे, साथ ही साथ आपका जो परिवार है, अगर आप समझदारी से चलोगे तो आपका परिवार सुचारू रूप से चलेगा और आपको आगे चल करके कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, बात करूँ मैं मनी सेविंग की, तो बहुत लोग सोचते हैं अगर मेरी सैलरी 50,000 हो जाएगी, 1,00,000 रुपये हो जाएगी, तब मैं बचत करूँगा, तब आगे जा करके मैं बचाऊँगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अभी से बचत करो क्योंकि आपका खर्चा नहीं पूरा हो रहा है, लेकिन आप हमेशा कोशिश करो बचत करने की। हमेशा कोशिश करो कि कैसे आप 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये बचा पाओ। जरूरी नहीं कि आप 10,000, 15,000, 20,000 रुपये इकट्ठे बचाओ, लेकिन हाँ आप कोशिश करो कि आप 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये बचाओ। अगर आप महीने में 100 रुपये बचा रहे हो तो आपका 12 महीने में 1,200 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, वही 1,200 रुपये आप कहीं पर भी लगा दोगे तो आपका छोटा मोटा काम आराम से निकल जाएगा। और दोस्तों, आज आप जो सेविंग करते हो वही सेविंग आने वाले भविष्य में आपके बच्चों को बचाती है, आपके बीबी को बचाती है, आपके माता पिता के लिए सहायता करती है। साथ ही साथ अगर आपको कुछ भी हो जाता है, आपके साथ कोई भी अनप्लान एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी हादसा हो जाता है, भगवान न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो जाता है तो आप उसी पैसे को लगा करके अपने आप को बचा सकते हो या फिर आप अपना इमरजेंसी में घर चला सकते हो। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले या फिर इस टॉपिक पर बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं इमरजेंसी फंड की। आपके पास हमेशा एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड का मतलब ये है कि अगर आप महीने में 10,000 कमाते हो तो 6 महीने में आपका 60,000 होता है और आपके अकाउंट में, यानी कि इमरजेंसी फंड में 60,000 रुपये हमेशा होने चाहिए। अनप्लान एक्सीडेंट होने के साथ या फिर कोई भी आपकी लाइफ में हादसा होने के साथ 6 महीने का खर्चा आपका आराम से निकल जाए। अगर महीने का खर्च 10,000 रुपये आ रहा है, सब कुछ निकाल के 20,000 आ रहा है, 50,000 आ रहा है, तो आप 6 महीने का टोटल करके उतने इमरजेंसी फंड में सेविंग करके ज़रूर रखें। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं वीडियो और स्टार्ट करते हैं कैसे मैंने सेविंग किया या फिर हर महीने हमें कितना अमाउंट सेव करना है और किस तरीके से बचाना है उसे कि हम 1 साल में 1,00,000 रुपये जोड़ लें। सो एवरीवन, कुछ इस तरीके से मैंने नोट डाउन कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो 1 साल में 1,00,000 रुपए कैसे बचाएं और मैंने 12 महीने का टोटल कर लिया है कि हर महीने आपको कितना बचाना है। सो दोस्तों, फर्स्ट महीने हम बात कर लेते हैं जनवरी की, तो हम 8,000 रुपए इसमें डालेंगे। दूसरे महीने फरवरी में 8,000 डालेंगे, मार्च में 8,000 डालेंगे, अप्रैल में 8,000 डालेंगे हम। ठीक है, अब आप सोच रहे हो 8-8 में क्यों ला रही हूँ, क्योंकि तभी हमारे पास 1,00,000 रुपए सेविंग होगा 12 महीने के लिए। और दोस्तों, बात कर लेते हैं मई की, तो मई में हम 10,000 रुपये डालेंगे क्योंकि इसमें कोई भी त्यौहार वगैरह नहीं आता है, जो आता है अगर छोटी मोटी छुट्टियां तो वो भी निकल जाती हैं और मई में हमारे बच्चों का जो समर वैकेशन होता है वो भी नहीं होता, खास करके अप्रैल में होता है या फिर जून या जुलाई में होता है। ठीक है, तो मई का भी हमें खर्च हमारा कम होता है, तो इस महीने हम 10,000 बचाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, आप
साल का 1 लाख रुपए तभी बचा सकते हैं, महीने का आप 8 से 10 हज़ार रुपये तभी बचा सकते हैं जब आप महीने का 30 से 40 हज़ार रुपये जॉब करके कमाएंगे। तो इससे क्या होता है, जब आपके पास इनकम रहती है सेविंग भी आपकी अच्छी खासी होती है, और हमेशा कोशिश करें बचत करने की आप। दोस्तों बात करूँ मैं जून की, तो जून में भी हम 8 हज़ार रुपये बचाएंगे, जुलाई में 8 हज़ार रुपये बचाएंगे, और अगस्त में हम 10 हज़ार रुपये बचाएंगे। जून में अगर आपका समर वैकेशन है तो इसमें आपका 10 हज़ार रुपये बचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चों को कहीं ले जाना है या फिर आपको कहीं जाना है, थोड़ा दिक्कत हो जाती है। जुलाई का भी सेम ऐसे ही होता है। साथ ही साथ अगस्त में कोई भी फेस्टिवल नहीं आता है, ओनली इंडिपेंडेंस डे आता है, या फिर अगर रक्षाबंधन आ गया तो वो भी चला जाता है, उसमें ज़्यादा खर्च हमारा नहीं होता है। ठीक है, बात करूँ मैं सितंबर की, तो सितंबर में 8 हज़ार रुपये मतलब 8,000 रुपीज़ बचाएंगे हम, 8 हज़ार रुपये। अक्टूबर में 8 हज़ार रुपये बचाएंगे, क्योंकि इसमें भी थोड़े से त्यौहार आ जाते हैं तो ज़्यादा बचना मुश्किल हो जाता है इसमें। साथ ही साथ दोस्तों बात करूँ मैं नवंबर के, नवंबर में मैं 6,000 रुपये बचाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि नवंबर में खास करके दिवाली होती है, अक्टूबर में कभी कभी पड़ती है, कभी नवंबर में पड़ती है, तो दिवाली हो गई या फिर कोई अदर और फेस्टिवल हो गया तो इसमें हमारा 8,000 रुपये बचना मुश्किल हो जाता है। और बात करूँ मैं दिसंबर के, दिसंबर में हम 10,000 रुपये बचाएंगे, क्योंकि इसमें कोई भी फेस्टिवल वगैरह नहीं होता है, ओनली 25 दिसंबर होता है, उसको कुछ कुछ लोग मनाते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। साथ ही साथ आप हमेशा कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को सेव करने की। और दोस्तों ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात ये है कि आप हमेशा कोशिश करें, कहीं अगर आप शॉपिंग पे जा रहे हो, कहीं आउटिंग पे जा रहे हो, तो आप छोटा छोटा अमाउंट बचाने की। तो ये तो हो गया हमारा बचत का वो, कि कैसे आपको इसको नोट डाउन करके लिखना है। बात करूँ मैं इसको सेव करके, तो मेरे पास पूरा 8,000 रुपीज़ नहीं है, ये थोड़ा कम ही है 8,000 से। मैं यहाँ पे 2020 वाला अगर 8,000 वाले जनवरी में ऐड कर दूंगी तो इसको मैं कुछ इस तरीके से क्रॉस कर दूंगी कि ये मेरा डन हो चुका है। ठीक है, बात करूँ मैं इसको, अगर ये समझ लो 8,000 रुपीज़ है, तो मैं 8,000 रुपीज़ इसमें ऐड कर दी हूँ, साथ ही साथ फरवरी का भी मैं क्रॉस कर दूंगी। नेक्स्ट हमारा है 3 मार्च वाला, मार्च में भी मैं 8,000 रुपीज़ ऐड करके इसको भी कुछ इस तरीके से कट कर दूँगी, तो हमारा 3 मंथ डन हो चुका है। ऐसे ही जैसे आपकी सैलरी आती है, अगर आप उसे सेविंग अकाउंट में रखना चाहते हो तो सेविंग अकाउंट में रख सकते हो, अगर आप सेविंग अकाउंट में नहीं रखना चाहते हो तो इन सारे पैसों को या फिर जितना आपके पास ये सेविंग कर रहे हो उसको किसी पर्स में या फिर वॉलेट में रख सकते हो। मैं कुछ इस तरीके से अपने पास एक्स्ट्रा वॉलेट रखती हूँ जिसमें मैं सेविंग करके रखती हूँ, कुछ इस तरीके से भी हैं, और एक वॉलेट इस तरीके से भी, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 5 रुपीज़ मनी सेविंग चैलेंज मैंने दिया था, तो सो मैं इस वाले पाउच में रखती हूँ। 10 रुपीज़ मनी सेविंग चैलेंज दिया था मैंने अपने आप को, तो इसमें मैं इस तरीके से रखती हूँ। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 500 रुपीज़, ठीक है, तो मैं इसमें अपने हस्बैंड को 500 रुपीज़ दी थी, मैं उसको भी लिख करके रख दी हूँ ताकि मैं भूलूँ ना। और कुछ इस तरीके से मैं अपने पैसों को अलग अलग तरीके से, जो मेरा पाउच है या फिर आप बोल सकते हो जो मेरी पर्स है, वॉलेट है पुरानी वाली, उसमें रखती हूँ, आप नई में भी रख सकते हो। और दोस्तों आप हमेशा कोशिश करो कुछ क्रिएटिव करने की, कुछ अलग करने की, डिफरेंट करने की, जिससे आप बहुत सारे पैसे बचेंगे और आपको टेंशन नहीं होगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपने पैसे बचा सकते हो, और मैंने आपको 12 महीने का बता दिया। ज़रूरी नहीं कि आप सेम इसी प्रोसेस से करो, आप अपने हिसाब से इसमें कटआउट कर सकते हो। आप किसी महीने 10,000 बचा लें, किसी महीने 5,000 बचा लें, किसी महीने 15,000 रुपये बचा लें, जैसे आपका खर्च हो या फिर जैसे आपको बोनस मिले। कभी कभी हमारा ये भी होता है ना कि दिवाली पे हमें बोनस मिलता है, लेकिन दिवाली पे हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, डेकोरेशन हो गया, पेंटिंग पुंटिंग हो गई या फिर क्लीनिंग वगैरह हो गई, इन सब में बहुत सारे पैसे चले जाते हैं, शॉपिंग हो गई। और अगर आपके मतलब जैसे बोनस मिलता है आपको 10 से 15 हज़ार रुपये, और आप पहले से ही फेस्टिवल का सोच के रखते हो, बजटिंग करके रखते हो, तो आप जब 10-15 हज़ार रुपये मिलते हैं तो उसको भी आप सेविंग अकाउंट में डाल दो आराम से, या फिर जो आप मनी सेविंग चैलेंज अपने आपको दिए उसमें आप डाल दो, तो इससे आपके बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। और दोस्तों आप हमेशा कोशिश करो कुछ ना कुछ कटौती करने की, जैसे अगर आप कहीं माल गए हो, मार्केट गए हो, तो आप हमेशा कोशिश करो कि जो ऑफ़र रहते हैं उनको भी आप थोड़ा बाई करो, उनको देखो, थोड़ा ध्यान दो। और ज़रूरी नहीं कि आप लिस्ट बना के ले गए हो इतनी लंबी और उसमें सब कुछ परचेज कर लो, आप हमेशा सोचा करो मुझे नीडेड है या नहीं है, क्या इसके बगैर मेरी लाइफ चल जाएगी, अगर ज़रूरत है तभी हम उसको खरीदेंगे। अगर हमें वो चीज़ ज़रूरत नहीं है या फिर उस प्रोडक्ट की हमें नीडेड नहीं है, तो वो प्रोडक्ट हम कोशिश नहीं करेंगे खरीदने की। तो इससे क्या होता है, हमारे पैसे भी बचते हैं, साथ ही साथ हमें थोड़ा ये भी पता चलता है कि हाँ, हम एक सीमित सामान में, एक लिमिटेड प्रोडक्ट में अपनी लाइफ गुजार सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और दोस्तों आजकल क्या हो चुका है, जितनी हमारी इनकम है उतने हमारे खर्चे बढ़ चुके हैं। पहले क्या था, अगर हम 10-20 रुपये के प्रोडक्ट में अपना काम चला रहे हैं, फिर छोटे पाउच में, छोटे सैसे में, छोटे साइज वाले प्रोडक्ट में अपना काम चला रहे हैं, जैसे हमारे पास पैसे आते हैं फिर हमारी सैलरी इंक्रीज होती है, या फिर कुछ भी आप सोच सकते हो, तो जैसे ही हमारे साथ होता है
तो हम बड़ा प्रोडक्ट खरीद लेते हैं वो, या फिर उसका सुपर सेवर पैक खरीद लेते हैं, या फिर बिग साइज वाला ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे पैसे इकट्ठे चले जाते हैं, प्रोडक्ट तो हमारे पास आ जाता है बट हमारा पैसा काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। अगर हमारा महीने का बजट है 3,000 से 5,000 रुपये राशन का, और हम गए हैं दुकान पर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है सामान, बहुत ज़्यादा ऑफर चल रहा है, साथ ही साथ डिस्काउंट बहुत अच्छा दे रहे हैं वो लोग, और हमें बहुत अच्छा लगा कि हम बड़ा वाला परचेज कर लेते हैं, हम 10 लीटर का तेल ले लेते हैं, फिर ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं। तो जब हमने उसको डायरेक्ट परचेज कर लिया और हमारे घर में सिर्फ 2 लीटर का ही काम है, या फिर 1 लीटर का ही काम है, 3 लीटर का ही काम है, जब हम 10 लीटर परचेज कर लेते हैं तो हमारे उसमें पैसे काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं, 1,500 से 2,000 रुपये उसमें चले गए हमारे, या फिर आप बोल सकते हो 3,000 से 4,000 रुपये जा सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट पर। मैं सिर्फ ऑयल की बात नहीं कर रही हूँ, कोई प्रोडक्ट आप ले सकते हो। तो उसमें हमारे जो एक्स्ट्रा पैसे चले गए, उससे हमें पूरे महीने का सामान लेना था, हमारा बजट जो है वो गड़बड़ा जाता है, हम अपनी सेविंग से निकाल करके शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही आप अपनी सेविंग से शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हो, आपकी मजबूरी धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है और आपके बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो आप हमेशा कोशिश करो करो कहीं ना कहीं से बचाने की, हमेशा कोशिश करो बार्गेनिंग की, क्योंकि यार हमारी मेहनत का पैसा है ना, तो हम ऐसे फ्री में किसी को थोड़ी ना दे देंगे कि हाँ भाई आप तू ले जाओ, तू 20 बोल रहा है, 50 बोल रहा है, 100 बोल रहा है, तू 150 ले जा, ऐसा थोड़ी ना होता है। हमेशा कोशिश करो बचत करने की, हमेशा कोशिश करो बार्गेनिंग करने की, और हमेशा कोशिश करो कहीं ना कहीं से कटौती करने की। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से रही मेरी आज की वीडियो की, 1 साल में 1,00,000 रुपए कैसे जोड़ें आप। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फिर वीडियो को लाइक करें, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जाकर के आप लोग क्लिक करें, जिससे कि मैं जितनी सारी वीडियो अपलोड करूँ उन सब की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टाइम पहुँचते रहे, और दोस्तों आप लोग मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हुए रहें। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, नेक्स्ट अमेजिंग प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पर रहो, सुरक्षित रहो, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।